देखिए, मैं डीएम के स्टेटमेंट को मैं मानता हूं। डीएम ने जो बात कही कि रिटेलिएशन में वो घटना हुई और उस समय किसके मन में, किसके दिमाग में क्या था, किस वजह से अंधकार छा गया और फिर उस घटना की वजह से घटना हुई है। और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को भुला करके मारा, और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा? और यही नहीं, आप बताइए सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से क्या, ड्रिल से नहीं मारा क्या? उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाए? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई कि उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा लें? मैं जानता हूं दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की तो उन पर क्या गुजरेगी, सोचिए आप। क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, एक मिनट, सवाल।